उपमंडल बैजनाथ के गांव नोरी में टैक्सी चालक अश्विनी कुमार हत्याकांड के लगभग 24 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 1.5 घंटा NH पपरोला में चक्का जाम किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की व स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने प्रशासन को एक बार फिर 15 दिन का समय दिया और स्पष्ट कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर इस मामले को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण पूरा दिन NH जाम कर देंगे, चाहे उन्हें गिरफ्तार ही क्यों ना करना पड़े। इस जाम के बारे में ग्रामीणों द्वारा पहले ही प्रशासन को बताया गया था, जिस पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि पूरा प्रदर्शन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। DSP के आने के बाद मृतक के भाई पिता व पंचायत के प्रधान विजय कुमार से बातचीत करने के बाद तथा उन्हें आश्वासन मिलने के बाद करीब 1.5 घंटे बाद NH खोला गया। इस दौरान जाम में फंसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। DSP अमित शर्मा ने इस दौरान बैजनाथ का कार्यभार देख रहे DSP पालमपुर अमित शर्मा ने ग्रामीणों के साथ बात की व उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस इस मामले को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है व जल्द ही आरोपियों को पुलिस पकड़ लेगी। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बिलासपुर बस अड्डे के भीतर चालकों परिचालकों की झड़प ना हो। इसके कारण सवारियों सहित अन्य बस चालकों परिचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चालकों परिचालकों की झड़प के कारण कई बसें मुख्य गेट पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण कई देर के लिए जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। पंजाब रोडवेज के चालक परिचालक में आपस में टाइमिंग के लिए झगड़ पड़े, देखते ही देखते चालकों व परिचालकों ने एक दूसरे पर हाथापाई तक भी कर डाली। बीच बचाव के लिए निजी बसों के चालक परिचालक व स्थानीय दुकानदारों ने इस मामले को सुलझाया। इस झगड़े के कारण यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचने के लिए समस्या का सामना करना पड़े। आपको बता दें कि प्रतिदिन बिलासपुर बस अड्डे के भीतर सैकड़ों बसों की आवाजाही होती है, जिसमें परिवहन निगम, पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, उत्तराखंड सहित निजी बसों की आना जाना लगा रहता है। आपको बताते चलें कि मारपीट का एक ऐसा ही वीडियो बिलासपुर बस अड्डे का सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा और दिन प्रतिदिन ऐसे मामले बिलासपुर व घुमारवीं बस अड्डों पर दिखने को मिल रहे हैं। इससे कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले पर्यटकों को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कई बार ये मामले पुलिस तक भी पहुंच जाते हैं। वहीं बस अड्डा इंचार्ज ने बताया कि बस अड्डे में ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं है, अगर फिर भी ऐसा मामला पेश आया तो वे उन चालक परिचालकों से बात की जाएगी और उलझने के कारण पूछे जाएंगे तथा आगे से न उलझने के बारे में समझाया जाएगा, ताकि किसी भी यात्री को कोई समस्या न आ सके। बिलासपुर के बाजारों में लूटी रौनक। जैसे जैसे करवा चौथ नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे शहर में रौनक बढ़ रही है और दुकानें दुल्हनों की तरह सज गई हैं और शहर में भीड़ पहले से ज्यादा हो गई है, जिनमें ज्यादातर सुहागिनों ने भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुहागिने जी भरकर शॉपिंग कर रही है। आपको बता दें कि करवा चौथ का उपवास हर वर्ष सुहागिने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर रात को चांद को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। महिलाएं इस दिन का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती हैं और कई दिन पहले से ही व्रत की तैयारियां शुरू कर देती हैं। फिर चाहे वो पूजा की तैयारी हो या सजने संवरने की, इस बार भी 17 अक्टूबर को करवा चौथ होने जा रहा है, जहां बिलासपुर बाजार करवा चौथ के लिए सज गया है। वहीं सुहागिनों में भी करवा चौथ के व्रत के लिए खूब क्रेज है। मेहंदी समेत श्रृंगार के लिए महिला काफी उत्साहित हो रही है। महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करवा चौथ व्रत रख रही है। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके ही पूजा में बैठती हैं। जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है, उन्हें शादी का जोड़ा पहनकर करवा चौथ पूजन करना शुभ माना जाता है। वहीं इस बार का करवा चौथ का व्रत बेहद खास है। ज्योतिषों के अनुसार
करीब 7 दशक बाद करवा चौथ पर इस बार शुभ संयोग बन रहा है। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत अच्छा है और काफी शुभ माना जा रहा है। वहीं पंडितों व ज्योतिषों की माने तो उन्होंने बताया कि काफी वर्षों के बाद नवविवाहित जोड़े के लिए ये व्रत काफी शुभ माना जा रहा है।